दतिया में नाबालिग बालक के साथ दुष्कृत्य के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है, जिसमें विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को अलग अलग धाराओं में आजीवन कारावास, 10 वर्ष का कारावास और 7 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर कुल 85,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला अभियोजन अधिकारी के मुताबिक मामले में अभी दूसरा आरोपी बाल न्यायिक हिरासत में अविचारी बालक के रूप में बंद है, जिस पर कार्रवाई प्रस्तावित है। जिसकी जानकारी देते हुए एसपी ने कोर्ट के फैसले की तारीफ की। पूछताछ के आधार पे उनके कमरे से बच्चे की चप्पल बरामद हुई और उनके बताए अनुसार बच्चे की लाश नहर से बरामद हुई। तो 302, 364A, 377 उसके साथ दुष्कर्म भी किया था उन्होंने मारने के पहले, 377 5/6 पॉक्सो एक्ट में माननीय न्यायालय ने दोषी पाया है, 302 में मृत्यु दंड दिया गया है और 25,000 का अर्थदंड दिया गया है। केस था जब बच्चे की गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल हमने फुटेज वगैरह खंगाले थे और बहुत कम समय में हमने इसमें इन दोनों अपराधियों को ट्रेस किया था और उसके बाद काफ़ी समय तक इन्होंने घटना को नकारा भी था, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद इन्होंने पूरी घटना खुलासा किया और पुलिस ने जो एविडेंसेस होते हैं उनको कम से कम समय में सीज किया और जो भी विटनेसेस थे उनको सुरक्षित रखा और उन्होंने जो सच की साथ दी और गवाही दी, जिससे कि फैसला हो सका। इसमें करीब 20 गवाहों को चिन्हित किया गया था, जिन्होंने घटना और घटना में जो सभी चरण हैं उनकी पुष्टि करी थी और जिनके गवाह कराए गए थे। इन गवाही के आधार पर माननीय न्यायालय ने आज फांसी की सजा मुख्य आरोपी है नंद किशोर उसको सुनाई।